नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत मंडल में चल रहे विकास कार्यों की आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सीएम डैशबोर्ड के संबंधित कार्यों की समीक्षा सहित लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण एवं सड़क को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य हो रहे कार्यों, सेतु निर्माण, जलकल योजना ग्रामीण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंडल में जो कार्य चल रहे हैं उसको समय अवधि में पूरा कर लिया जाए। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, CMO आशुतोष दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डेवलपमेंट डिवेंजरी हुई थी, अच्छा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, हम लोग उम्मीद करते हैं। और मुझे उम्मीद है इस बार सितंबर में आप खुद पर्सनली देख लेना, ताकि जो डाटा ये लोग भर रहे हैं वो एक्चुअली है सिर्फ डाटा का ही देख लें। आप दिखवा लेंगे 72 पे, देवरिया 73 पे, ये तुमसे भी नीचे कोई आ गया, नीचे भी आ गया, देवरिया अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में सतत एवं समावेशी विकास में अंत्योदय की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर डॉक्टर आर साहू ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर आर साहू ने कहा कि आज अंत्योदय दिवस है। पूरा देश व देश के प्रधानमंत्री हमेशा सोचते हैं कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले, इसलिए यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम हम सभी के मन को बार बार प्रेरणा देने वाला है। उस दिशा में एक नई सोच जगाने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, इसके साथ ही गोरखपीठ के दोनों महंतों की श्रद्धांजलि चल रही है जिनके नाम पर यह विद्यालय स्थापित है, इसलिए हम सबका प्रयास है कि उनकी सोच को आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर OP सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और मेरे को इच्छा था एक विषय केंद्रित है आज इस चर्चा का, वो आपने देखा अंत्योदय दिवस है, पूरा देश अवसर पर तमाम सारी गतिविधियों के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए चले जाए नीचे से देवल तुल्य उस महामानव तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सब के अंदर मन को बार बार प्रेरणा देने वाला है, उस दिशा में अभिमुख करने वाला है, सामाजिक चेतना के लिए हमारे अंदर मन को झकझोरने वाला यह दिवस है। एक दूसरा विषय है इसके साथ
फाउंडेशन में जिनकी आज जन्म जयंती है, ऐसे पंडित दल का है जिनकी कभी काफी मानवदर्शन चिंतन था, उसकी उपयोगिता तो कैसे उन चीजों को आप समझेंगे, कभी आगे आपका मार्ग प्रशस्त हो, ये दूसरा पहलू उसका पक्ष है। तीसरा पक्ष है, सितंबर महीने में आप सबको मालूम ही है श्री गोरक्षपीठ के प्रतिवर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे दोनों ब्रह्मलीन पूज्य संतों के ब्रह्मलीन होने का समय रहता है 28 सितंबर 1972, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय स्थापित है। पूज्य युवराज जी महाराज के तिरुभाव का ब्रह्मलीनता का समय है, इसलिए हम सबके मन में कई तरह की विषय वस्तु उठेगी। प्रयास यही रहेगा कि थोड़े बहुत सारे संदर्भों को स्पर्श करते हुए आपके भीतर की चेतना को इस रूप में नमन किया जाए कि वह भी कुछ चिंतन मनन विचार जीवन को समझने का सब प्रयास। हम सबको मालूम है कि भारतवर्ष का एक बहुत ही लोकप्रिय एक प्रकार का समर्पण है 25 जनवरी 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 तक आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ की खूबी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारत की आज़ादी की लड़ाई सन 1857 से 1947 विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंची गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी ने कहा कि देश की आज़ादी में अनेकों वीर सपूतों ने बलिदान दिया था, जिसके बाद हम सभी को आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी ने बिना अहिंसा के देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया, वहीं भगत सिंह, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे सहित अनेकों वीर माँ भारती के सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि हम सभी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को आज़ादी कैसे मिली। आप कल्पना कीजिए, वही देश है
अभी रिपोर्ट में लिखा हो मैंने भी बताया आपको, तो कई बार मेरे मन में आता है कि जिन शहीदों की आपका जिसमें ही बात मिली अगर कि आपका कहीं जिंदा है उनके परिवार के सदस्य नहीं है, अगर आप इतिहास पढ़े 46 के बाद का 46-47 का इतिहास पढ़े तो आप भूला हो जाएंगे, क्योंकि कभी कांग्रेस लीडरशिप भूल गई है कि नैरेटिव क्या था। मूवमेंट का नैरेटिव अंदाजा लगाइए आप, 20-20 साल के 15-15 साल के बच्चे हैं जिससे लीडरशिप दिखाया गया है। हमने अलग 20 साल की अलग लिस्ट करी है, उनकी शहादत में क्या क्रांतिकारी के साथ क्या हुआ, उनकी कहानियों को पढ़ लिया, बात यहां तक पहुंच गई। यूनियन जैक जो अंग्रेजों का फ्लैग है, एक सिंबल है। अंग्रेज अपने ध्वज का हर देश करता है, हम करता करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, अंग्रेज बहुत ज्यादा करते हैं। यूनियन जैक का एक सिंबल था, उनके पास था कि सिंबल उनकी नजर से अल्टीमेट सिंबल होता था यूनियन जैक, और क्रांतिकारियों के लिए ये सोशल का सिंबल था। अनेक क्रांतिकारियों ने इस ध्वज को जलाते जलाते अपनी जान दी, ध्वज का मान लिया कि वो शॉट है, बहुत से लोग ऐसे। अब प्रश्न आया 14 अगस्त को माउंटबेटन की रिकॉर्ड से माउंटबेटन का जो लास्ट पत्र लिखा उन्होंने वाइस एडमिरल और मैंने प्रीवियस रिसर्च होते थे ये लोग जो भी करते थे पानी मैंने किया आपके सामने। अगर मैं इस लेक्चर की रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं पानी का भी जिक्र करूंगा कि मैंने उत्तर में पानी पिया। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। चौरी चौरा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष राम प्यारे यादव के नेतृत्व में एसडीएम चौरी चौरा के स्थानांतरण को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में बार एसोसिएशन के चौरी चौरा के अध्यक्ष राम प्यारे यादव ने बताया कि हम लोग सभी चौरी चौरा बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, हम लोग 50 दिन से चौरी चौरा के एसडीएम के स्थानांतरण को लेकर धरना दे रहे हैं क्योंकि उनका क्रियाकलाप सही नहीं है। वो धारा 80 की पत्रावलियों को खारिज कर देते हैं जो दफ़ा 24 की पैमाइश के लिए वहां के लेखपाल के द्वारा 25-25 हज़ार रुपये मांगा जाता है। जब एसडीएम से शिकायत की जाती है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जो पत्रावलियाँ जाती हैं वो आदेश न करके उसको रख देते हैं, बिना पैसा लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी से मुलाकात किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एसडीएम चौरी चौरा का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चौरी चौरा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे यादव ने कहा, हम लोग चौरी चौरा बार एसोसिएशन के सभी सदस्य आए हुए हैं। हम लोगों ने चौरी चौरा के एसडीएम श्री प्रशांत वर्मा के स्थानांतरण की मांग को लेकर के हमारे यहाँ 50 दिन से धरना चल रहा था। उनके क्रियाकलाप सही नहीं है, धारा 80 की पत्रावलियों को खारिज कर देते हैं और जितना मूल्यांकन के हिसाब से जितना रसूम सरकार को अदा करना रहता है उतना वो अपने लिए मांगते हैं। दूसरी चीज़ जो दफ़ा 24 की पत्रावली है उसमें पैमाइश करने के लिए वहाँ के लेखपाल कानवो द्वारा 25-25 हज़ार रुपये मांगा जाता है, जब इनसे कहा जाता तो ये एसडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जो भी पत्रावलियाँ इनके यहाँ आदेश में जाती हैं उसको आदेश न करके बंडल बांध के रखे रहते हैं, लिपकी त्रुट की जो पत्रावलियाँ उसको छूते नहीं हैं, बिना पैसा दिए कोई कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ़ हम लोग 50 दिन से धरना दे रहे थे और उसी को लेकर हम लोग यहाँ जो है डीएम साहब का घेराव करने के लिए आए हुए थे और यहाँ सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई है। उनके क्रियाकलापों को सुन करके ये लोग भी आश्चर्यचकित हैं और इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। राम प्यारे यादव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष, चौरी चौरा। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गोरखपुर महानगर के भाजपा संगठन द्वारा प्रत्येक बूथ पर सदस्यता का विशेष अभियान चलाया गया। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। गोरखपुर सदर विधानसभा के
बूथ संख्या 302 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्प अर्पित करने और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के उपरांत सदस्यता दिलाई। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का उत्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का संकल्प भी यही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प भी पूरा हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास का मॉडल देश में नजीर बना हुआ है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में संगठन की सदस्यता हो रही है, कार्यकर्ताओं का महाअभियान है, जन जन को सदस्य बनाने से भाजपा मजबूत होगी। भाजपा की मजबूती में ही भारत देश का हित है। इस कार्यक्रम को पूर्व सांसद व सदस्यता अभियान के क्षेत्रीय संयोजक जयप्रकाश निषाद, पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, राणा राहुल राय ने भाजपा की सदस्यता के महत्व को बताया। इस अवसर पर तिरंजीव चौरसिया, सिद्धार्थ शंकर पांडे, डॉक्टर नवीन पांडे बच्चा, ईश्वर जायसवाल मंडल अध्यक्ष, अष्टभुजा श्रीवास्तव, शिवेंद्र गौड़ और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। बूथ अध्यक्ष श्याम पाल, श्याम मदन, संतोष शिव कुमार को क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सम्मानित भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक और मैं समझता हूँ कि करोड़ों करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्मदिन है और आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज उनके जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष सदस्यता अभियान, महासदस्यता अभियान प्रारंभ की है और आज भारत के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पे गोरखपुर क्षेत्र के एक एक बूथों पर हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, क्षेत्र का पदाधिकारी हो, हमारे सांसद हों, विधायक हों, ब्लॉक प्रमुख हों, नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष हों और पार्टी का सभी सीनियर कार्यकर्ता, हम सबको एक बूथ पर बूथ अतिथि के रूप में पंडित जी के जन्मदिन को मनाने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है और उसके साथ साथ आज हम सब लोगों ने प्रत्येक बूथों पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में 100 और सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी जो भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है, हम अपने पिछले कीर्तिमान को तोड़ने के लिए आज हम सब लोग संकल्प लेकर के एक विशेष सदस्यता अभियान वहाँ चला रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में अब तक कितने सदस्य बनाए जा चुके हैं, क्या लक्ष्य? हम लोगों ने दो तरह की भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है। एक ऑनलाइन सदस्यता अभियान के माध्यम से परसों तक हम लोग 13,23,000 सदस्य गोरखपुर क्षेत्र में ऑनलाइन बने हैं। ऑफलाइन हमको लगता है 2-2.5 लाख लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और आज हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर मिनिमम 100 सदस्य हम जाएंगे और पंडित जी का जन्मदिन मनाएंगे और प्रत्येक बूथों पर 100 सदस्य बनाएंगे, उसी के संदर्भ में आज मैं यहाँ इस बूथ पर विशेष रूप से सदस्यता अभियान, पंडित जी का जन्मदिन मनाने के बाद हम सब लोग 100 मिनिमम 100 लोगों को सदस्य बना करके और आगामी, मुझे लगता है कि आज का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमें लगता है कि आज मिनिमम पूरे गोरखपुर क्षेत्र में 10 लाख सदस्य बनेंगे। कोई ऐसा बूथ नहीं जिस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई पदाधिकारी वहाँ आज खड़ा ना हो, गया ना हो, जाएगा, 100 सदस्य बनाएगा, पंडित जी के चित्रों पर माल्यार्पण करेगा, पुष्पार्चन करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा महाअभियान लेकर के निकले। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर।
हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।